जनता के दरबार में केजरीवाल। जी हां, अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जनता के बीच में दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो मंच से भाषण दे रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो जनता के बीच में आए हैं और जनता ही फैसला करेगी कि किस तरह से जो है आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें किसकी सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री कौन सी पार्टी का चुना जाना है। साफ तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर कथित तौर से शराब घोटाले के मामले थे और शराब घोटाले के मामलों के बाद जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री कई महीनों तक जेल के अंदर रहे और जेल के अंदर से जब जमानत पर बाहर आए तो बाहर आने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देने के बाद जो है जो आतिशी थी जो कि इस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी है उन्हें जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है और केजरीवाल जो है अब मंच से भाषण दे रहे हैं और साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जिस तरह से अगर वो दोषी हैं तो उन्हें सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए लेकिन अगर वो ईमानदार हैं तो फिर उनकी पार्टी को एक बार फिर से जो है विधानसभा चुनाव के अंदर बहुमत मिलना चाहिए। लगभग फरवरी के आसपास जो है विधानसभा चुनाव है और इसी विधानसभा चुनाव में तय किया जाएगा कि आखिर दिल्ली की सत्ता इस बार किसके पास जाएगी। फिलहाल जो है अभी की जो मुख्यमंत्री हैं वो आतिशी हैं, जंतर मंतर पर जो है पधारे हुए हैं, कई सारे लोग हैं तो बातचीत करते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम बताइए और ये बताइए आप यहाँ पर आए हैं केजरीवाल जी के समर्थन के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अनिल कुमार राणा है, रोहनी जोन चेयरमैन MCD। मैं यहाँ पे जो आया हूँ मैं इसलिए आया हूँ, जो अरविंद केजरीवाल जी जो जनता दरबार लगाया हुआ है वो इसलिए लगाया हुआ है कि जो बीजेपी वालों ने गलत तरीके से अनैतिक तरीके से उनकी गिरफ्तारी की और गलत तरीके से उनको जो इतने दिन जेल में रखा उसका हम विरोध करने के लिए आए हैं। और जो अरविंद केजरीवाल जी ने जनता की अदालत के बीच में जाके ये डिमांड की है कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट देना, अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ तो मुझे वोट मत देना, मैं उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आप MCD की आपने बताया आप जोन के चेयरमैन हैं लेकिन शिकायतें ये भी रहती हैं कि MCD के जो कर्मचारी वही आपकी बात नहीं सुनते। जैसे कि बताइए ना, कैसे नहीं सुनते, जरूर सुनते हैं लेकिन जो ऑफिसर को वो लॉबी है उनका एक नेक्सस बना हुआ है क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग हमारे हाथ में नहीं है, वो LD साहब को रिपोर्ट करते हैं तो इसका भी हम कोई ना कोई समाधान निकालेंगे जल्द से जल्द। अच्छा ये बताइए, अब दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री अब हो गए अरविंद केजरीवाल, आप उनके समर्थन में हैं, आतिशी मुख्यमंत्री बनी है तो आतिशी जी को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आतिशी जी हमारी बहुत ही होनहार और सीनियर लीडर हैं और अरविंद केजरीवाल जी ने और पूरी विधानसभा ने विधायक दल ने उनको अपना नेता चुना है तो हम सब की उनमें पूरी आस्था है। लेकिन जैसे ही दोबारा चुनाव होगा जनता अगर 60 से ज़्यादा, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर जनता 60 से ज़्यादा सीट देगी तो अरविंद केजरीवाल जी CM बनेंगे वरना अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि वो तब भी CM नहीं बनेंगे अगर 60 से कम सीटें आई तो। सीटें तो आएंगी। जब पहला चुनाव हुआ था 49 दिन की सरकार बनी तो उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था हमें 60 से ज़्यादा सीटें दो तो हम जो है दिल्ली को पूरा बदल देंगे और जो दिल्ली है उसे पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिलाएंगे, लोकपाल बिल लेकर आएंगे। 67 सीटें जो है जनता ने दी थी, क्या हुआ? देखिए, जनता ने पूरा बहुमत दिया है और हमने दिल्ली की तस्वीर 90% बदल दी है लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि ACB एंटी करप्शन ब्यूरो थी, जब 49 दिन की हमारी सरकार आई थी तो एंटी करप्शन ब्यूरो हमारे पास थी लेकिन जैसे ही मोदी जी ने अपना कार्यकाल संभाला उन्होंने सबसे पहले एक काम किया कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो करप्शन को रोकने की जड़ है वो केंद्र सरकार ने अपने पास ले ली और हमें नेता कर दिया। सेकेंडली, जो ट्रांसफर पोस्टिंग था, जो जितने भी ऑफिसर्स थे उन सब की ट्रांसफर पोस्टिंग अपने हाथ में ले ली तो हमें एक किस्म से नेता बना दिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को जो जज्बा है उसके सामने वो जनता के सभी काम पूरे करा के लाते हैं। ये बताइए, कथित शराब घोटाला जो है उसके मामले में केजरीवाल जी जेल में रह के आए हैं, कोर्ट ने भी कहा है कि आप बाहर जाएंगे तो आप किसी ना तो सचिवालय में जा सकते ना आप कोई काम कर सकते, इसी वजह से दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने इस्तीफा दिया है। मेरे को तो इतना पता है झूठ घर बैठा है और सच खड़ा है, सच है तो खड़े हैं ना, झूठ है तो घर बैठे हैं, जो झूठ था घर बैठे सच यहाँ खड़ा है। अगर इन लोगों को घोटाला करा होता तो यहाँ नहीं खड़े होते, इससे बड़ा कोई जवाब नहीं हो सकता। आज आप देख रहे हैं जनता कितना समूह है यहाँ पे, कितना प्यार है। आज दिल्ली की जनता रो रही है, दिल्ली की जनता ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हुआ है, दिल्ली जनता ये कहती है मनीष सिसोदिया के साथ गलत हुआ है, दिल्ली की जनता ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के कारण जो नेता है सबके साथ गलत हो रहा है। तो मेरे को इतना पता है कि सच खड़ा है और झूठ अपने घर बैठा है। बीजेपी कह रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो है उसमें बीजेपी की सरकार बनेगी क्योंकि
वो साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो करप्ट है और पपेट के तौर पर आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। देखिए, बीजेपी का हमेशा यही कहना है कि उनकी सरकार बनेगी, लेकिन 93 में एक बार जब सरकार बनी उसके बाद आज तक वो बनवास काट रही है, क्योंकि उनका मकसद कभी भी जनता के लिए काम करना नहीं रहा। पिछले चुनाव में जब उन्होंने किरण बेदी जी को अपना सीएम कैंडिडेट अनाउंस किया था, तब भी उन्होंने कहा था कि हमारी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, लेकिन जनता ने उनको उनका चेहरा दिखा दिया, उनको आईना दिखा दिया। उनकी 3 सीटें बड़ी मुश्किल से आई थी और इस बार भी आप अभी एक ट्रेलर है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये हरियाणा में जो चुनाव होगा उसमें पता चल जाएगा कि भाजपा की क्या पोजिशन है। दिल्ली की तो बात बहुत दूर की है। ये बताइए कि दिल्ली के अंदर 3 महिला मुख्यमंत्री बनी है, एक बीजेपी की बन गई, एक कांग्रेस की बन गई, एक अब आम आदमी पार्टी की बन गई। एक ही रहेगी, अब वही रहेगी, अतिथि सिंह जी जिंदाबाद। तो केजरीवाल जी नहीं बनेंगे? केजरीवाल तो रहेंगे। तो अतिथि कैसे होंगे? पूरे देश में रहेंगे, जैसे हमारा साथ दे रहे हैं केजरीवाल। होमगार्डों की 6 महीने से तनख्वाह नहीं आई और ना ही अभी तक कोई उम्मीद है, ना किसी ने आश्वासन दिया कि होमगार्ड की तनख्वाह दो या ना दो। हमारी नौकरी भी खत्म है, 31 जनवरी लास्ट सरकार ने अल्टीमेट दे दिया, डिपार्टमेंट ने अल्टीमेट दे दिया कि 31 मार्च के बाद आपको नहीं रखा जाएगा। हम महा केजरीवाल जी से यही अनुरोध कर गए हैं, कम से कम हमारी सैलरी दिलाए, हमें 60 साल तक काम करने की इजाज़त दी जाए। किसमें क्या ही, हमारे साथियाँ एक्सपायर भी हो गए हैं, जिनकी कंडीशन इतनी ख़राब होगी कि घर के ना दूध पानी ना शिक्षा की कोई कुछ कर सकते हैं। अरे चेयरमैन साहब, एक बात और बताइए, चुनाव आने वाले विधानसभा, तो किस तरीके से कैंपेन करेंगे दिल्ली के अंदर? देखिए, दिल्ली का जो कैंपेन है वो एक शख्स के चारों तरफ घूमेगा जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी ने हर संडे के अपना प्रोग्राम बनाया कि जनता दरबार लगाएंगे और सभी विधानसभाओं में जाएंगे और सभी विधायकों को एक ही चीज़ पे वोट मांगनी है कि अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी पे, क्योंकि जनता के बीच में हम एक ही मुद्दा लेके जाएंगे, अगर अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं तो हमें वोट देना, वरना हमें वोट मत देना। आपको ध्यान होगा हमने 20 में भी यही कहा था, अगर हमने काम किए हैं तो हमें वोट देना। ये बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात बोलना स्टेज से कि हमने काम किया तो वोट देना, जनता ने वोट दी। अब हम कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं तो वोट देना, अब जनता देखना 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी को देगी। तो बिल्कुल जिस तरह से जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री स्टेज से बात कर रहे हैं और यहाँ पे जनता जो है वो उनके गुणगान कर रही है, साफ तौर पे जो है विधानसभा चुनाव आने वाले हैं जिसकी तैयारियां जो है आम आदमी पार्टी ने अभी से शुरू कर दी हैं और जो स्लोगन दिया गया है कि केजरीवाल जनता के दरबार में, यानी कि केजरीवाल जो है अब तमाम जगहों पर जाएंगे और जाने के बाद जो है जनता से अपना पूरी तरीके से समर्थन मांगेंगे। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर उनकी 60 सीटें से कम आती हैं तो मुख्यमंत्री पद जो है वो नहीं ग्रहण करेंगे। बहरहाल चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर दिल्ली के अंदर किसकी सत्ता बनती है। दिल्ली से कैमरामैन अनिल सिंह के साथ वाजदली, नवोदय टाइम्स।